आप देख रहे हैं प्रहार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। चुनाव में राजपूत क्या बीजेपी से नाराज है? क्या योगी आदित्यनाथ की बार बार अपील के बाद भी ठाकुरों का गुस्सा कम नहीं हो रहा है? क्या राजपूत बीजेपी को हराने के लिए राहुल, अखिलेश या मायावती के लिए वोट कर रहे हैं? इन सारे सवालों का जवाब कहीं और से नहीं, अखिलेश की सबसे मजबूत सीट मैनपुरी से आया। मैनपुरी में जो हुआ उसके बाद उत्तर प्रदेश की सारी बची हुई सीटों पर राजपूत वोट का कंफ्यूजन खत्म हो चुका है। तो अब क्या इंडिया अलायंस राजपूतों का दुश्मन नंबर वन बन चुका है? मैनपुरी में क्या हुआ, इसका असर कहां तक होगा, योगी के एक एक्शन ने कैसे पलट दी पूरी बाजी, सारी डिटेल हमारी इस रिपोर्ट में आप समझिए। मैनपुरी ने योगी की 80 सीटें कंफर्म कैसे कर दी? देश भर के राजपूत क्यों इंडी गठबंधन के खिलाफ हो गए? क्या थर्ड फेज से पहले समाजवादी पार्टी ने सेल्फ गोल कर लिया? अखिलेश के घर में महाराणा प्रताप का अपमान करने वाले कौन है? मैनपुरी में महाराणा का अपमान कितनी सीटों का रिजल्ट बदल देगा? चुनाव में राजपूत किसका साथ देंगे, क्या ये क्लियर हो गया? क्या बीजेपी से राजपूतों की नाराजगी का विपक्षी नैरेटिव फ्लॉप होगा? मैनपुरी में समाजवादी पार्टी का रोड शो निकला तो था डिंपल की जीत का अंतर बढ़ाने के लिए, लेकिन इस दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो किया उससे न सिर्फ मैनपुरी की सीट फंस गई बल्कि कई दूसरी लोकसभा सीटों पर बीजेपी को एज भी मिल सकता है। शनिवार को समाजवादी पार्टी के रोड शो में डिंपल यादव मौजूद, उनके साथ अखिलेश यादव लोगों से वोट की अपील कर रहे थे, लेकिन रोड शो के खत्म होने के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बेकाबू हो गए और पार्टी का झंडा लेकर महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर चढ़ गए। फिर वहां पर अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया गया। ये सामने आपको महाराणा प्रताप चौक नजर आ रहा है और महाराणा प्रताप की ये वही मूर्ति है जिसकी वीडियो पिछले दो दिनों से वायरल है और एक जातिगत जो तनाव है वो मैनपुरी में बढ़ता नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर आरोप है कि अखिलेश यादव का जो रोड शो था डिंपल यादव के समर्थन में, उसके बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इस चौराहे पर पहुंचते हैं और महाराणा प्रताप की मूर्ति का अपमान करते हैं। ये खबर जैसे ही फैली उसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे और इस पूरी मूर्ति को धुलवाया गया और एक जातिगत जो तनाव है वो बढ़ता नजर आया। बीजेपी के कार्यकर्ता ये आरोप लगा रहे हैं कि हमारे महापुरुष का अपमान किया गया है। महाराणा प्रताप की जिस मूर्ति पर चढ़कर समाजवादी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया, उसी प्रतिमा पर दो दिन पहले सीएम योगी ने पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रनायक महाराणा प्रताप की मूर्ति के साथ जिस प्रकार का अपमानजनक और अवमाननापूर्ण व्यवहार समाजवादी पार्टी के नेताओं का था वह अत्यंत निंदनीय है। मैं इस कृत्य की भर्त्सना करता हूं और ये केवल समाजवादी पार्टी का नहीं, यही महाराष्ट्र के अंदर राहुल गांधी के साथ भी था। छत्रपति शिवाजी महाराज का एक मूर्ति उनका एक समर्थक उन्हें देना चाहता था, राहुल गांधी ने लेने से इनकार कर दिया। यानी ये राष्ट्र नायक का सम्मान नहीं, ये आतंकियों का महिमामंडन करेंगे, पाकिस्तान का महिमामंडन करेंगे, माफिया और अपराधिक प्रवृत्ति के तत्वों का जो समाज की सुरक्षा के लिए, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए हैं, उनका ये महिमामंडन करेंगे। महाराणा प्रताप के अपमान का असर सिर्फ मैनपुरी में ही नहीं, यूपी की उन सभी सीटों पर होगा जहां वोटिंग होनी, गुजरात, हिमाचल समेत राजपूत बहुल सीटों पर होगा। पुलिस ने महाराणा प्रताप की मूर्ति पर उपद्रव मचाने वाले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी के करीब 100 कार्यकर्ताओं पर FIR दर्ज की गई।
इस पर मैनपुरी कोतवाली थाने में आईपीसी की कई संगीन धाराओं के तहत मुकदमा किया गया है। इन सभी पर महाराणा प्रताप का अपमान करने और बीजेपी नेताओं से गाली गलौज का आरोप। अब तक करीब 100 लोगों पर आचार संहिता के उल्लंघन में जो केस है वो दर्ज किया गया है। 3 लोगों की गिरफ्तारी की खबर है कि 3 लोगों को गिरफ्तार भी इस मामले में किया गया है, जिन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। ज्यादातर समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता या नेता है वो अपने घरों से फरार है। कल मैनपुरी में मतदान होना है। डिंपल यादव यहाँ समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार है, वहीं जयवीर यहाँ बीजेपी के उम्मीदवार है। किसी तरह का तनाव ना बढ़े, प्रशासन इस मामले में सख्ती बरतता नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप लगा रही है, लेकिन ये बात सच है कि महाराणा प्रताप की मूर्ति के अपमान की जो वीडियो है वो वायरल होने से एक तनाव की स्थिति यहाँ पर पैदा हो गई है। लेकिन राजपूत समाज सिर्फ इतने से संतुष्ट नहीं। वो वोट की ताकत से समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन को सबक सिखाने की तैयारी में। वीडियो आई है जिसमें वो ऊपर चढ़ गए सपा के कार्यकर्ताओं ने, वहाँ बदतमीजी दी, नंगे खड़े हुए हैं, कपड़े उतार खड़े हुए हैं, जबरदस्ती भाला को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और क्या सेल्फी होती है। महापुरुषों का अपमान करना समाजवादी पार्टी की नीतियों में शामिल है। समाजवादी पार्टी की नीतियों को पूरा देश अच्छी तरीके से जानता है कि इन लोगों ने किस तरीके से तुष्टीकरण और भारत माता को डायन कहने वाले लोग इनकी पार्टी में ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे रहे हैं। और जो महाराणा प्रताप जी की मूर्ति के साथ किया गया है ये इन्हीं अराजक तत्वों का काम है। मैं इसमें किसी को पार्टी विशेष को नहीं बोलूंगा, ये अराजक तत्वों का काम है। लेकिन इसमें अखिलेश जी और डिंपल जी को उनको कंडेम करना चाहिए था, लेकिन आप देख लीजिए कंडेम करने की बजाय आज भी उन गुंडों को वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इंडी गठबंधन से राजपूतों की नाराजगी का इम्पैक्ट पूरे देश में क्या होगा ये आपको बताएंगे। पहले आप ये समझिए कि मैनपुरी में राजपूत समाज कैसे डिंपल यादव का खेल बिगाड़ सकता है। मैनपुरी लोकसभा सीट पर पिछले 28 साल में 3 उपचुनाव समेत 10 चुनाव हुए और हर बार यहां से समाजवादी पार्टी को जीत मिली है। 2019 के लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव को प्रेम सिंह शाक्य ने कड़ी टक्कर दी थी। मुलायम ये मुकाबला 94,389 वोटों से जीते थे। हालांकि उपचुनाव में डिंपल यादव ने बीजेपी के रघुराज सिंह शाक्य को 2,88,461 वोटों के बड़े अंतर से मात। 2022 में मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद डिंपल को सिंपैथी वोट मिले थे, लेकिन 2024 में ऐसा नहीं। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत यादव वोटर, जिनकी संख्या यहां करीब 4,25,000 है। दूसरे नंबर पर शाक्य, जिनकी आबादी 3,25,000 है। इसके बाद 2,25,000 राजपूत, ब्राह्मण वोटर भी 1,25,000 के करीब, 1,50,000 जाटा और 1,00,000 लोध मतदाता भी यहां का समीकरण बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। बीजेपी बीते 3 चुनावों में शाक्य समाज का उम्मीदवार खड़ा कर चुकी। मौजूदा प्रत्याशी जयवीर सिंह पुत्र राजपूत समाज से आते हैं। ऐसे में अगर 3,25,000 शाक्य, 2,25,000 राजपूत और 1,25,000 ब्राह्मण, 1,00,000 लोध वोटर बीजेपी के साथ जाते तो उनकी संख्या 4,25,000 यादव और 1,00,000 मुस्लिम वोट पर भारी पड़ सकती। राजपूत समाज की नाराजगी से क्या हो सकता है, डिंपल यादव को ये बात समझ में आ गई। समझती हूँ कि रोड शो जो हुआ है, क्योंकि रोड शो हुआ है और सभी ने समर्थन किया इस रोड शो का, मैनपुरी के सभी लोगों का मैं धन्यवाद देना चाहूंगी जो इस रोड शो में शामिल हुए और आसपास जो सब लोगों ने स्वागत किया उन सबका बहुत धन्यवाद। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में बुखलाहट है, कहीं ना कहीं घबराहट हो गई रोड शो को देख मद्देनजर, और इसीलिए इस तरह की इन लोगों ने साजिश करी है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि मैनपुरी के लोग
एक परिवर्तन की तरफ, और मैं समझती हूँ पूरा देश परिवर्तन बदलाव की राजनीति को स्वीकार रहा है। नहीं, अगर तोड़फोड़ हुई है तो हम भी उसमें कार्यवाही करेंगे, क्योंकि हमारे पास भी रिकॉर्डिंग्स हैं कि तोड़फोड़ किसने करी है, मारपीट किसने करी है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि किसी पर अन्याय नहीं होना चाहिए। सरकार शासन प्रशासन का यह कार्य होता है कि किसी भी अन्याय ना हो और अन्याय के विरुद्ध हम लोग खड़े हैं। अभी तक इंडी अलायंस राजपूतों की पिच पर फ्रंट फूट पर खेल रहा था। लाइन चल रहा था कि यूपी में राजपूत बीजेपी से नाराज, राजस्थान और गुजरात में राजपूत बीजेपी के साथ नहीं। कांग्रेस के पार्टनर भी इसी लाइन को आगे बढ़ा रहे थे। यूपी में तो अखिलेश ने राजपूतों के नाम पर खूब माहौल बनाया, ये काम सोशल मीडिया पर भी खूब चल रहा था और ग्राउंड पर अलायंस का पूरा इकोसिस्टम इसी काम पर लगा था। ये भी नैरेटिव बनाया गया कि पहले दो फेज में कम वोटिंग की सबसे बड़ी राजपूत समाज की बीजेपी से नाराजगी रही, लेकिन मैनपुरी में महाराणा प्रताप के अपमान से बाजी पलट सकती है। जो राजपूत इंडिया अलायंस के तुरुप का इक्का था, अब वो उनकी सबसे बड़ी मुसीबत बन सकते है। दरअसल राजपूत बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है। बीजेपी राजपूतों को खूब टिकट भी देती। पार्टी ने पुरुषोत्तम रूपाला के बयान के बाद से डैमेज कंट्रोल शुरू कर दिया। यूपी के सीएम योगी, राजनाथ सिंह और खुद अमित शाह ने कमान संभाला। सबसे पहले पुरुषोत्तम रूपाला ने अपने बयान पर सार्वजनिक माफी मांगी, तो बीजेपी ने अपने आखिरी दो टिकट राजपूत समाज के ही नेताओं को दिया। रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह और कैसरगत से करण भूषण सिंह बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी के नेताओं ने हर प्रदेश में राजपूत समाज के बड़े नेताओं से मुलाकात की। बीजेपी की कोशिशों का ही नतीजा रहा कि गुजरात के 45 शाही परिवारों ने मोदी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। दो दिन पहले ही राजपूत समाज के कद्दावर नेता राजा भैया ने बेंगलुरु में अमित शाह से मुलाकात की। राजा भैया समाजवादी पार्टी का सपोर्ट करते रहे, हालांकि बीच में अखिलेश यादव से उनके रिश्ते जरूर खराब हुए थे, लेकिन राज्यसभा चुनाव के दौरान यूपी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष नरेश उत्तम ने उनसे मुलाकात कर फिर से दोनों को साथ ला दिए। अब अमित शाह से एक घंटे की मुलाकात ने समीकरण बदल दिए, जिसके बाद माना जा रहा है कि राजपूत समाज एक बार फिर बीजेपी की तरफ वापस जा सकता है। राजपूत समाज की खासियत है कि वो एकजुट होकर वोट करता है। पुरुषोत्तम रूपाला के बयान के बाद राजपूत समाज में गुजरात, राजस्थान, हिमाचल और उत्तर प्रदेश में महापंचायत बुलाई, बैठक में बीजेपी के खिलाफ जाने का फैसला हुआ। राजपूत समाज की नाराजगी का असर पहले दो फेज के वोटिंग में दिख चुका है, लेकिन मैनपुरी में महाराणा प्रताप के अपमान के मुद्दे ने थर्ड फेज से पहले बीजेपी को ऐसा मुद्दा दे दिया जिसका जवाब दे पाना अखिलेश और राहुल गांधी के लिए आसान नहीं होगा। अगर राजपूत समाज इंडी अलायंस का विरोध करता और फिर से बीजेपी की तरफ वापस जाता तो यूपी समेत कई राज्यों में सीटों का अंकगणित पूरी तरह बदल सकता है।